सो वेलकम बैक गाइस, हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले। तो यार कॉन्गो जो कंट्री है उसका एक और जो मेन फीचर है वो है रिवर, ठीक है। और जो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की वो कहाँ से बहती है? कॉन्गो से बहती है। और जो कॉन्गो की ये जो रिवर है इसका नाम क्या है? जियाडिया रिवर, ठीक है। और ये जो रिवर है, ये जो कॉन्गो की रिवर है, ये हाईवे बनाती है सेंट्रल अफ्रीका में, ठीक है। और कॉन्गो में जो मेजर लेक्स हैं वो क्या है? एल्बर्ट, क्यूवी, एडवर्ड एंड तांगिका, ये यहाँ की मेजर लेक्स हैं। सो अब बात करते हैं हम क्लाइमेट की, ठीक है। ये जो यानी ये जो प्लेस है ये बहुत ज़्यादा नियर है इक्वेटर के, यानी इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा नियर इक्वेटर के, पास में इक्वेटर के बहुत ज़्यादा। इसके कारण यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है पूरे साल, ठीक है। और इसके पास इसी कारण यहाँ पे हॉट और वेट क्लाइमेट रहता है। पर यहाँ पे जैसे कि अपनी जैसे इवनिंग और नाइट जो रहती है यहाँ पे, इसका जो टेम्परेचर वो बहुत ही ज़्यादा कूल हो जाता है एंड कंफर्टेबल रहता है लोगों के रहने के लिए। जैसे कि हमारा इंडिया में भी एक स्टेट है केरला करके, वहाँ पे भी इसी टाइप का पूरा क्लाइमेट है जैसा कॉन्गो कंट्री में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेजिटेशन की। तो यार ये जो है यहाँ पे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, इसके कारण जो प्लांट्स हैं वो बहुत जल्दी फास्ट ग्रो कर सकते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सनलाइट मिल रही है, ठीक है। और जो लैंड है, वो यानी आधे से आधा इक्वेटोरियल रीजन को कवर करती है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को कवर करती है, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट है इनके पास यानी लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज और प्लांट्स है, यानी बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इनके पास ट्रीज प्लांट्स हैं, वो भी एक छोटे से एरिए के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रीज है, अब भाई बेसिकली बात है, अगर इतने ज़्यादा ट्रीज किसी एरिए में होंगे तो वहाँ पे सनलाइट के लिए तो कंपटीशन होगा, ये भी क्या क्या लिख देते हैं यार, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रीज की हाइट है वो 40 मीटर से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी आप सोच सकते हो 40 मीटर तक पूरी ग्रो करते हैं। उसी के साथ यहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं वो पूरे साल भर ग्रीन ही रहते हैं, यानी ये एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। ऐसे फॉरेस्ट जो पूरे साल ग्रीन रहे उन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। पर यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है, जो यहाँ पे क्रीपर्स क्लाइंबर्स जो यानी फुल ऑफ फ्लावर्स के जो प्लांट्स रहते हैं ना, वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। उनकी बहुत छोटी सी ग्रोथ होती है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं जैसे कि रबर, कोकोनट, बैम्बू एंड ऑयल प्लम्स भी यहाँ पे उगते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यार देखा जाए तो ये लार्जेस्ट रिजर्वायर वो भी हार्डवुड्स का, ठीक है। तो यानी जो हार्डवुड्स है वो बेसिकली रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है वेरियस इंडस्ट्रीज को। और इसी के साथ यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट है डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो, ये बहुत से लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स को भी यानी घर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जैसे कि एनिमल्स भी रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, रेप्टाइल्स रहते हैं, इंसेक्ट रहते हैं, एक्सेट्रा। देखा जाए तो यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, तो पहला रहता है हिप्पोपोटामस हो जाएगा, गोरेला मिल जाएगा आपको, यहाँ पे जिराफ भी मिल जाएगा, चिंपैंजी मिल जाएगा, एलिफेंट मिल जाएगा, मंकी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से टाइप के रेप्टाइल्स रहते हैं। तो यहाँ पे आपको पाइथन मिल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे पाइथन रहते हैं। और रिवर जो है वो फुल्ली ऑफ एलिगेटर और क्रोकोडाइल से भरी हुई होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का मैमल मिलता है जिसको हम बोलते हैं OKP, ठीक है, शायद मैंने सही प्रोनाउंस किया हो, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसा एनिमल मिलता है जिसका हेड जो है वो जिराफ की तरह रहता है, उसकी बॉडी पूरी जिराफ की तरह दिखेगी, ठीक है। और उसके जो पैर है वो जेब्रा की तरह दिखते हैं। ये यार एक अलग ही एनिमल है जो सिर्फ यहीं पे मिलता है, ठीक है। और ये जो अपना यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है वो यानी एक एक अच्छा सा जू की तरह दिखता है, एक जिग्नेटिक जू की तरह दिखता है, ठीक है। और ये जो नेचर है इस जू का वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो हंटिंग है, और गाइस अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हंटिंग के कारण बहुत से जानवरों की लाइफ जा रही है। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।